सकती हूँ और बहुत सारे डेसिग्नेशन के साथ हमारे पब्लिक स्पीकर हैं और शेरी जी अपने बारे में कुछ बताएंगे, पहले थोड़ा सा एक लाइन अपने बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम ऑथर शेरी है, मैं इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ एलएस टॉक्स का, और मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ 1 मिलियन स्पीकर्स। हर घर में हिंदुस्तान में एक पब्लिक स्पीकर ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा हमारी 2.5 लाख पब्लिक स्पीकर्स की कम्युनिटी है और ऑर्गेनाइजेशन है एमएस टॉक्स के नाम से, जहाँ पर 35,000 से ज़्यादा पब्लिक स्पीकर काम कर चुके हैं और आकर के बोल चुके हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूँ, उनके साथ लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज जब अपना स्पीच आपने शुरू किया तो स्टार्टेड टू से आई एम अ यूजर, तो फ्रॉम लूजर टू सक्सेसफुल कैसा रहा जर्नी आपका? लूजर से सक्सेसफुल बनने के लिए करेज चाहिए, और करेज कम्स फ्रॉम विद इन। करेज इज व्हेन यू गो फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। तो आप उत्साह बना के रखें और अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे कदम लेना मत भूलें। अगर गिर गए हैं तो उठना ना भूलें, अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ आ गई है, रो पड़े हैं, तो थोड़ा हंसना ना भूलें। जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और उन सबको शेरी साहब से सीखने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी मुकाम में हार जाते हैं तो आपको मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए और आपको पॉजिटिव माइंड में आगे बढ़ाते रहना चाहिए अपने आप को। शेरी साहब से हमारी बातचीत थी, बहुत बहुत धन्यवाद शेरी साहब को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू। आप पी यू से क्या लगता है? पी यू के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनके साथ एक घंटा से मिला हूँ और बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। हमारा मीडिया का जो काम है वो संभाल रहे हैं कम्युनिटी का, और बहुत अच्छा रिस्पांस है हर चीज़। नदीम अहमद जी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, कम्युनिटी का जो सारा मीडिया वर्क देख रहे हैं, तो हर चीज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहते ना कि जैसे कोऑर्डिनेशन करना और एक एक चीज़ को गलत ठीक करना, तो ये सारा काम पी एस 7 ईयर के मैनल के लोग कर रहे हैं, तो उनका तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। सब अलग अलग जगह से थे और एक दूसरे को हम बिल्कुल नहीं जानते थे। कोविड की वजह से ही हम इकट्ठे हुए, इसीलिए हमने सोचा कि हम कोविड को जगह ठीक रखें, कैसे कैसे हर एक कोविड टाइम बताया, कैसे उसको हैंडल किया, कैसे कईयों को लोगों को डिप्रेशन होता था, हम लोगों ने उस पीरियड को कैसे काटा, दैट इज बेसिकली व्हाट द बुक इज अबाउट, हर एक स्टोरी। तो ये आपको आइडिया आया कि कोविड के साथ में लोग कुछ भी हाउसों में रेस्ट होता है कि, तो ऐसा आपने ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट फील है, तो ये कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप हुआ या ये डेवलप होता था? नहीं, एक्चुअली शुरू में हम लोग 15 जनवरी और दुबई में बैठा है, हैदराबाद में बैठा है, बट आजकल वो वर्चुअल का ज़माना आ गया, तो हम लोग पहले 15 थे, 15 से फिर 1-2 जन छट गए। यूँ जब एक्चुअल काम शुरू होता है तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग वो बजाते हैं, तो कुछ लोग छट गए थे। फिर उसके बाद हम लोग 12 बजे और 12 बजे तो देन इट बिकेम द डार्लिंग डज़न, यू नो, बट 15 थे 12 बजे। एंड थोड़ा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स भी आए, स्पीड ब्रेकर बहुत आए, किसी को कलर नहीं पसंद, कोई कह रहा है कि लाल रंग होना चाहिए, कोई कह रहा है कि पीला रंग होना चाहिए, कोई कह रहा है कलर ही होना चाहिए, बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये था कि द बुक इज़ डन एंड वेरी वेरी स्मूथ, द जर्नी वाज वेरी स्मूथ एंड एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी।
मैम आपका पी न्यूज़ पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन। मैं जसप्रीत बोधराज रांची से, और मैं अभी दिल्ली स्पेशली आई हूँ हमारी बुक लॉन्च के लिए अनमास्किंग जो कि 2012 इंस्पिरेशनल रियल लाइफ स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें से एक मेरी कहानी भी है जो कि है जर्नी फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे व्यूअर्स को कि ये स्टोरी आप जरूर पढ़ें और पढ़ के इंस्पायर हों। मेरा नाम है सी ए प्रभजोत कौर मोहरा, स्पेशल और मेरे इंट्रोडक्शन में मैं यही बता सकती हूँ कि मैं कभी ऐसी किताब लिखने में तो इंटरेस्ट नहीं था, बट इन लोगों से मिलते इनके बारे में जान के बहुत एंथुसियास्म हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और हमें इतना टाइम मिला कि इसके बारे में सोच सकते हैं क्या लिख क्या हो जाए, तो जस्ट इट जस्ट हैपेंड। इसमें मैंने बताया है कि कैसे हमारे क्या प्लान्स थे जब मेरी बेटी एक साल की हुई, तो हमने क्या प्लान्स बनाए थे कि हम कहीं बाहर जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें थी लाइन अप, लेकिन वो सब कैंसिल हो गया। हमारी जब तक हम मेहनत कर रही थी और अच्छा इनपुट दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर रह सके, वो सब सब कैसे चेंज है, हम कितने इंडिपेंडेंट बनते गए, हमारे नहीं थे हमें खुद हर चीज़ कैसे करें, मेरी स्टोरी उन चीज़ों के बारे में थी, मैं कैसे अपने आप को रियलाइज़ किया, अपने आप से पास बताया कि हाँ मैं हर चीज़ अब खुद कर सकती हूँ, हमें वापस आ रही है। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई हैव अ मिशन, माय मिशन इज माय इंट्रोडक्शन, माय मिशन इज टू मेक 1 million पीपल लाफ ऑल द वे टू द बैंक डूइंग व्हाट दे आर मोस्ट पैशनेट अबाउट थ्रू माय कोचिंग, थ्रू माय ट्रेनिंग एंड थ्रू माय लाफ्टर एंड माय हैप्पीनेस प्रोसेस। जैसे कि आप बिल्कुल सर, उसकी कहानी ये है कि जब लॉकडाउन था तो उस टाइम हम लोग असली पहचान बाहर आ गई, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अनमास्किंग सर। क्या पहचान वापस आ गई हमारे काम वाली भाई, इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, सी 70 ईयर ओल्ड एंड शी इज डेडिकेटेड टू हर जॉब एंड शी वांटेड टू कम टू अवर हाउस clean the utensils and clean our house, you know, and make it dust free and corona free, but she was stopped by the lockdown policeman, right? And therefore I had to assume the role of Kamali Bai in my house. Kisi ko to karna hai na, ab dekho why me, why me? It is because my wife is having allergy to the dust, so I was the only choice, right? So I had to learn from my experiences working as a काम वाली bhai, and then मेरे मन में उनके लिए कितनी इज्जत हो गई, अरे इतना काम, 70 साल की बूढ़ी वो इतना काम करती थी, इतना डेडिकेशन था, और वो दो दो घंटे तीन घंटे लगा के जाती थी, हम सोचते थे कब कब जाएगी हम प्राइवेसी अपनी रिस्टोर, बट शी वॉज ट्रीटिंग दिस हाउस एज हर ओन हाउस। नाउ देयर कम्स अनदर पिक्चर, व्हेन शी केम my wife handed over 2 months salary. See, this is the value of my wife coming out, because I mean she did not work a single day during those 2 months, but my wife said no, she has to nurture her family, she has to nurture her kids, she has to nurture her the next generation, she has to be given the salary, she did not deduct a single fee. So that is the value which is coming out. And for me, yes, while I was doing the pocha jhadu, right, and cleaning the windows, I was so happy because it gave me the endorphins, it gave me the happiness, and I was laughing while I was doing the work like this.
So that is the uncovering of CK. That is the unmasking of CK. That is unmasking of my wife. That is unmasking of her weight. And that is the unmasking of all the dazzling. Thank you very much. Thank you so much. That is what my mind was. And that's what my mind was. You have to cover yourself.
Even open heart, even open mind, you never know what's going to
वीडियोस के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, दे डूइंग ग्रेट वर्क, ऐसे इवेंट्स पे काफ़ी लोग तो उनका मैसेज कभी कभी लूजन आउट हो जाता है, उस मैसेज को आगे लेके आना, हाईलाइट करना, सर्विस करना, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कौन सी चीज़ पर क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ा वीडियोस थैंक यू मैम पार्टिसिपेशन के लिए। कैसे 12 ऑथर की कहानी है, उनका अलग अलग गेम्स हैं और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को स्ट्रक्चर बदलना है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का माहौल कैसे और मैं आपको आग्रह करूँगा आप इवेंट में फ्यूचर सब्जेक्ट